नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा धूमधाम के साथ मनाया दाऊजी महाराज का प्राकृतिक उत्सव, पंचगव्य एवं जड़ी बूटियां के साथ किया गया महाअभिषेक। वृंदावन, दाऊ छठ के पावन अवसर पर श्रीधाम वृंदावन के अनाज मंडी स्थित बड़े दाऊ जी के मंदिर में भगवान बलभद्र जी का भव्य प्राकट्य उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रातःकाल दाऊ जी महाराज का भव्य महाअभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, शर्करा, घी, शहद आदि के साथ साथ जड़ी बूटियां के साथ भगवान बलभद्र जी का महाअभिषेक किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मंदिर के सेवायत आचार्य दीपक गोस्वामी ने बताया कि श्रीधाम वृंदावन में यह विग्रह अत्यंत प्राचीन विग्रह है। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र पद्मनाभ जी के द्वारा दाऊजी की मूर्ति का निर्माण कराया गया था। ये दिव्य और भव्य प्रतिमा अत्यंत सिद्ध है। दाऊ दयाल जी को ब्रज का राजा कहा जाता है, अतः आज के दिन दाऊ जी के चरणों में जो भी मनोकामना समर्पित करता है वो पूरी होती है। सायंकाल दाऊ जी महाराज का भव्य फूल बंगला एवं 56 भोग के दर्शन हुए। भक्तों ने दर्शन कर अपने आप को भाग्यशाली महसूस किया। कार्यक्रम में प्रथमेश लाल गोस्वामी, विष्णु गोपाल गोस्वामी, धीरज गोस्वामी, राधा दामोदर मंदिर के सेवायत करुण गोस्वामी, हेमंत भारद्वाज, जतिन भारद्वाज, आनंद गोस्वामी, हरि बल्लभ छोटे ठाकुर, जगन्नाथ पोद्दार, श्री राधा मंदिर के सेवायत अभिनव गोस्वामी, डॉक्टर भागवत कृष्ण नागिया आदि उपस्थित रहे। मथुरा संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। आज दाऊजी का जन्मोत्सव, आज दाऊजी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और अनाज मंडी स्थित बड़े दाऊजी महाराज के मंदिर में आज बड़े ही हर्षोल्लास से जो है जन्मोत्सव मनाया गया है। ये जो दाऊजी की विग्रह है, ये गोविंद देव जी के साथ में प्रकट हैं। जो गोमा टीला से गोविंद देव जी यहाँ से प्रकट हुए थे, वहीं से ये गोविंद जी के साथ प्रकट हुए हैं और बहुत प्राचीन विग्रह है। तो आज सुबह के समय जो है इनका 10:30 बजे से लेके और 12 बजे तक जो है अभिषेक हुआ है पंचामृत से, दूध दही शहद पूरा वगैरह से। और उसके बाद में उपरांत में महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती के बाद में जो है प्रसाद वितरण किया गया और शाम के समय में जो है भगवान जी का जो है फूल बंगला और 56 भोग के दर्शन का आयोजन किया जा रहा है।